हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022-24 के लिए जीएस का हॉट ट्रिक्स बताने वाला हूं। प्रोटोजुआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है जिसको आप देखकर ही याद कर पाएंगे। फ्रेंड, आपका एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, तो अंतिम दिनों में ट्रिक्स ही बहुत ज्यादा काम करता है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चाक्षु पब्लिकेशन का है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की और आप भी चाहते हैं कि मेरा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो, तो आप सभी के लिए आ चुका है चाक्षु पब्लिकेशन का ये स्टडी गाइड, जो कि नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसमें आपको मिलेगा सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। हर पॉइंट को क्लियर करके आपको इसमें समझाया गया है। खास बात यह है कि इसमें आपको मिलेगा 3000+ बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न विथ डिस्कशन। तो देर न करें, आज ही अपने तैयारी के लिए पढ़ें बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम स्टडी गाइड, जिसे आसानी से आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप एक क्लिक में इसको खरीद पाएंगे और घर बैठे आप इस बुक को मंगा पाएंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटोजुआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। आप यहाँ पर ट्रिक्स पहले देख लीजिए। कल आम पानी में पका, इसको आप याद कर लीजिए ट्रिक्स को। अब चलिए हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर है कल से हो गया आपका कालाजार, जो कि प्रोटोजुआ से होता है। उसके बाद होता है आम से हो गया अमीबी पेचिस, याद कर लीजिए, देखकर ही आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आता है पानी में पहले आता है पा से हो गया आपका पायरिया, तथा आपका नी से हो गया निंद्रा रोग। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है में, यानी कि पानी में, तो में से हो गया मलेरिया ज्वर। उसके बाद हो गया पका से आपको यहाँ पर याद करना होगा पेचिस। तो देखा फ्रेंड कितना आसान है, आप इस ट्रिक को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। एग्जाम के अंतिम दिनों में आपको बहुत कारगर साबित होने वाला है यह ट्रिक, क्योंकि अंत में आपका ट्रिक से काम करता है, जिसको आप आसानी से याद कर पाएंगे, देखकर ही याद कर पाएंगे। यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।